हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल सोया। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन शरबत लेकर आए हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद ये है कि गरीबों में सब बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, तो गर्मियों से क्यों निजात दिलाने के लिए, चुटकियों में निजात दिलाने के लिए बेहतरीन शरबत है ये जो रुआब्जा से बना हुआ है। तो मेरी इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग खट्टा शरबत बनाते हैं। ठीक है, तो शरबत बनाने के लिए हमने 2 चम्मच शुगर मिक्स किए हैं, 1 चम्मच मैंने शक्कर पाउडर लिया है, शक्कर को मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने लॉबस्टर लिया है, 1 नींबू का स्लाइस, और इसमें मैंने नॉर्मल पानी लिया है। शरबत बन जाने के बाद इसमें आइस क्रीम डालकर आप मीठा बहुत रहता है, आप सोच समझ के अपने हिसाब से मीठा ऐड कीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून शक्कर ले लिया है। ठीक है, मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमें इसमें रुआब्जा ऐड करना है, हम इसमें 1 टेबल स्पून रुआब्जा ऐड कर देंगे। ठीक है, आपको कलर कितना रखना है वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, जितना आपको कलर चाहिए, हालांकि 1 ग्लास में हम अगर 1.5 टेबल स्पून देंगे तो भी चल जाएगा, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें रुआब्जा ऐड किया है। और आप अपनी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। ये सब ऐड करने के बाद हमने अब नींबू का स्लाइस इसमें ऐड कर देना है। इस तरीके से हमें इसमें नींबू ऐड कर देना है। बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है नींबू इसमें, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इन सबको मिक्स कर दिया हमने। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इंस्टेंट पीना है तो इसमें आइस के टुकड़े डाल सकते हैं, और अगर आपको बाद में पीना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको फ्रिज में हमें रख देना है। तो ये बना है हमारा कूल कूल चिल्ड शरबत, जो पीने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इसको डेकोरेट करने के लिए आप दोस्तों एक नींबू का स्लाइस इस तरह से आप इसमें लगा लीजिए। तो देखा ना कितनी आसानी से कितना अच्छा सा एक शरबत बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों, अभी इसी तरीके से हम छोटा पैकेट, मतलब छोटे से बॉटल में अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए शरबत इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। तो जिस तरह से हमने कहा था, सबसे पहले सब्जा बीज। तो दोस्तों, तैयार है हमारा शरबत। अब इसको चिल्ड करने के लिए दोस्तों आप चाहे तो इस पर आइस क्यूब ऐड कर सकते हो, जैसे हमने ऐड कर दिया। इसमें बहुत अच्छा लगता है आइस क्यूब डालने के बाद, ये बहुत टेस्टी होता है, इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, दुगना बढ़ जाता है दोस्तों। उसको सहरी के टाइम में अगर आप पिएंगे ना, तो दिन भर आपको पानी की कमी शरीर में नहीं होगी, क्योंकि ये सहरी करने के बाद 1 ग्लास पी लोगे तो ठंडक रहता है, आग में पानी ज़्यादा रहता है, और इसकी खुशबू, इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा है दोस्तों। और इफ्तार के टाइम तो क्या कहना, आप रोज़ा खोलने के बाद 1 ग्लास इसको पी लेंगे ना तो पूरी ताकत वापस आ जाती है। तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी तरीके से मैं आपके पास नए नए वीडियोस लाती रहूं। और मेरे हौसला बढ़ाने के लिए दोस्तों एक प्लीज़ दिल से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए मेरी जो इतनी ही इतना ही है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सब बाय बाय।